छपरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भोजपुरी फिल्मों की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव इस समय भोजपुरी में चर्चाओं का विषय बन गए हैं। भोजपुरी दिलों में राज करने वाले दिनेश लाल यादव की वाइफ पाखी हेगड़े का नाम आपने सुना ही होगा। पाखी हेगड़े के बारे में आज कुछ खास रहस्यों के बारे में खुलासा करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पाखी ने अपने सफर की शुरुआत दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाली धारावाहिक मैं बनूंगी नीरज ही से की थी। पाखी भोजपुरी सुपरस्टार नीरज यादव मोनू के साथ भी काम कर चुकी हैं और नीरज मोनू के साथ भी उनकी जोड़ी पसंद की गई है, लेकिन सबसे हिट जोड़ी उनकी नीरज यादव के साथ बनी जिसे लोगों ने खूब सराहा। पाखी की चर्चित मराठी फिल्म सतनागत जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार की भूमिका में निभाई थी, इस फिल्म में उनके साथ महेश मांजेकर और संयाजी शिंदे भी थे। पाखी ने महानायक नीरज यादव के साथ भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्म गंगा देवी में बिग बॉस के साथ भी नजर आई थी। इस फिल्म में वे उनकी बहू की भूमिका में थी। दिनेश लाल यादव की वाइफ पाखी हेगड़े का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि दिनेश लाल यादव की वाइफ पाखी हेगड़े पहले से शादीशुदा हैं और उनका अपने पति के साथ तलाक हो चुका है। दिनेश लाल यादव की वाइफ पाखी हेगड़े दो बच्चे की माँ है और अपने वो दोनों बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। दिनेश लाल यादव की वाइफ पाखी हेगड़े का पहला शादी नीरज मोनू यादव के साथ हुई थी और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम आर्य है। पाखी ने भोजपुरी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया है। नीरज यादव के साथ कई सुपरहिट फिल्में भोजपुरी सिनेमा में दे चुकी हैं पाखी हेगड़े। अब एक नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। पाखी हेगड़े अब फिल्म निर्माण और फाइनेंशियल के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। फिल्म निर्माण के साथ पाखी रियल एस्टेट का भी काम शुरू कर देंगे। वो भोजपुरी के साथ साथ ही हिंदी फिल्मों के निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। दिनेश लाल यादव की वाइफ पाखी हेगड़े ने बताया कि उन्हें मुकम्मल और पहचान सिर्फ भोजपुरी फिल्म से ही मिली है, इसलिए वो चाहते हैं कि भोजपुरी में भी बड़ी बजट की फिल्में बने। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या पाखी हेगड़े प्रोड्यूसर बनने के बाद भी फिल्मों में एक्टिंग करना जारी रखेंगे। वैसे एक जमाना था जब पाखी हेगड़े जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के साथ निरहुआ रिक्शा वाले फिल्म की थी और काफी चर्चित फिल्म हुई थी। निरहुआ रिक्शा वाला ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन आजकल वो भोजपुरी फिल्मों से बेहद कम नजर आती हैं। वो अपने दो बच्चों के साथ इस समय मुंबई में रह रही हैं। वैसे बहुत बड़ी खुलासा है, तो आशा करता हूँ ये अपडेट आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्या आपके हिसाब से पाखी हेगड़े को फिल्मों में दोबारा आना चाहिए या नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। और अभी तक दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।